आ देखो जी की करता मुंडे ने, तीन कट्टे धर दिए जी भर के। हुण देखो नजारा, दोनों तरफ से धुरी ला दी हैरो की, दोनों तरफ से। हेलो एंड वेलकम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब जो है गेहूँ का सीजन तो रहा नहीं, तो अब ईख जो हमारा खेत खाली होता जा रहा है, हम उसका बहान करते जा रहे हैं। तो इस खेत में हमने सिर्फ एक बार रूटर निकाला है गन्ना काटने के बाद, मूढ़ा फूकने के बाद, और उसके बाद अब जो है हैरो की जुताई शुरू करी है। तो एक प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि खेत कैसे तैयार करें फागन की उसके लिए, और हम कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा ये भी दिखा देंगे। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो दिखाने का उद्देश्य ये है कि ये नहीं कि भाई रूटर के पीछे पड़ रहे हो, हमने बस एक बार भी रूटर मजबूरी में इसलिए निकाल दिया कि ऊपर से जो झुंडे का मुँह है, जो कटिंग है ऊपर से, वो थोड़ी सी बारीक कर देता है रूटर ऊपर से। दूसरी चीज़, गूल चढ़ी हुई ही तो हैरो के कब्बड़ में मतलब उस तरह कैसे नहीं आ पाता, वो ऊपर से पूरे के पूरे झुंडे उठा उठा कर फेंकती हैरो। तो रूटर ने ऊपर से काफ़ी अच्छी कटिंग बनाई है पहली बार में, काफ़ी गहराई है इसकी, जो पहले के लोम में रूटर ने कटिंग बनाई है इसकी। उसके बाद अब हैरो चलाई है हमने, और हैरो की अभी पहली जुताई चल रही है, और अभी एक कट्टा मट्टी का धरा। भाई साहब आज इतनी मट्टी धर दूंगा इस पर, मज़ा बांधने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और कितनी जुताई लगाएंगे हम वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद एक और नया यंत्र चलेगा, फिर इसमें टीलर चलेगा तीसरी बार, नेक्स्ट चलेगी, फिर इसमें शायद हैरो चलेगी, फिर इसमें टीलर चलेगा। तो इस तरीके से इस खेत का इतना ध्यान उतारना है, क्योंकि इस खेत में दोस्तों तिबरसी थी। अब तिबरसी में जो है कुछ ठेक इस खेत में ऐसी है कि बिल्कुल कवाड़ ही हो रहा, मतलब घास की जड़ बहुत ज़्यादा बन रही है, घसेड़ पल गया कई ठेक में। और जो घास है वो भी वो है, उसकी एक भी गांठ रह जा नरम तो वो पानी लगती हरी हो जा, वो तो सुंडे वाली घास बोलते हैं हमारे यहाँ उसे। उसकी जड़ आपको मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ नहीं यहाँ आगे हैं, बहुत है घास इसमें। तो उस घास को जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने की कोशिश में हैं हम। तो आपको ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक कराऊंगा और मट्टी रख के इस पर। और आपकी क्या सलाह है, क्या राय है दोस्तों, आप भी ज़रूर दें अपनी राय। एक मैंने वीडियो बनाई है टीलर की, इसकी सेंसिंग की, जो मैंने आपसे वादा कर रखा कि एक सेंसिंग में मैं डिस्टिंग करूंगा, वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। उस वीडियो को जो अपलोड कर देंगे जल्दी, तब तक आप इस वीडियो को आनंद लें और चेक करें कि ट्रैक्टर कैसे अंडर लोड चल रहा है। बिल्कुल फ्री से ही चल रहा है मुझे जो महसूस हो रहा है यहाँ से। इसमें जो है पीछे थोड़ी सी मट्टी रखवाते हैं। अच्छा जी, इम्प्लीमेंट की अगर बात करें, ये जो है मित्तल वालों की, मेरठ में जो हप रोड पर है, मित्तल वालों की जो फेमस हैरो है, चकले वाली हैरो है जी। और जो तय की बात करें, बड़े वाले तय 14 तय हैं इसमें सिर्फ। वैसे ट्रैक्टर के लिए कोई बड़ी नहीं, छोटी हैरो है 575 के लिए मेरे हिसाब से। ये तो होने को तो कुछ भी कर लो, पर इसके लिए कम से कम 8-8 की तो होनी चाहिए, पर लगती काफ़ी है ये। अभी तो मट्टी और रखेंगे तो फिर देखेंगे क्या नज़ारा निकाल लेगी। तो मट्टी रखे मिलते हैं, फिर देखते हैं कितना चेंजिंग आ गया। एक बार पास से अब क्या आपको मैं आवाज़ और लोड चेक करा दूँ, फिर देखेंगे क्या नज़ारा आता है निकल के इसके बाद। ये तो ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है 1200-1400 चक्कर, बिल्कुल फ्री सा। अच्छा गियर की बात करें तो ये फिलहाल पहले के हाई में चल रहा, तो अभी दिखाते हैं फिर आपको मट्टी उट्टी रख के। लो जी, एक बड़े वाला कट्टा भर का और धर दिया, और जुताई फर्क देखो मैं आपको दिखा दूं कहाँ से लगा आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से मट्टी रख के चली है, देखो कितनी फालतू मट्टी पलटने शुरू कर दी, स्लिप बढ़ गए ट्रैक्टर के। तो इस वाली हैरो पर ट्रैक्टर दबाव में तो आने का नहीं मुझे ऐसा लग रहा। मैं सोच तो रहा था कि इसके चिक्का लगवा दूं, पर चिक्का लगने की नहीं, क्योंकि स्लिप मारेगा, जूता हुआ खेत है।
दबने का है नहीं जब तक पहिए पे वजन ना हो। स्लिप तो अभी मारने लगा देखो, क्योंकि हैरो के तय जो है काफ़ी लग रहे हैं पल्ली साइड से, तो आगे वाले तय जुलम बहुत ज़्यादा मट्टी, मतलब बिल्कुल जो धुरा है और अड़ के चल रहा, रगड़ के चल रहा बिल्कुल। दोस्तों आप अपने सुझाव देना, वैसे ये चकले की हैरो मेरे संबंध से तो बाहर है, हैरो जो है खिचड़वा होनी चाहिए, पट हैरो बोल रहे हैं। नहीं लिफ्ट वाली बस गली गली हुए के हिसाब से वैसा ठीक है रास्ते के लिए, बाकी इनका मुझे कोई और बेनिफिट नज़र नहीं आता अपनी समझ में। बाकी जो वैसी हैरो चला रहे हैं अपना तजर्बा ज़रूर दें, एक बार चेक करो जी। अब हूँ चेक करो भान ठा दिया जाएगा जी खेत में कती, जिसे ध्यान कहते हैं। दोस्तों हैरो की जुताई है ना खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बहुत ज्यादा लाभकारी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में किस तरह से अंदर से बिल्कुल जो है पुराने जो सूत से होते हैं ना झुंडे के, ये इन्हें जो है काटती जाती है, बहुत बारीकी से देखने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ से जो है उर्वरा शक्ति पे फर्क पड़ता है खेत की। अब हम रूटर चलाए जाओ या टीलर चलाए जाओ उससे वो बात नहीं आती जो हैरो की जुताई से आती है। एक बार मैं और चेक कराऊंगा आपको जुताई किस तरह की आ रही है, यहीं आएगा शायद फांट तो मैं दिखाता हूँ। देखो आपको अब आप जुताई भी चेक करना इसकी, मैं बैठ भी जाता हूँ। अब आप मट्टी देखो जी, ये चीज देखो आप, आ देखो जी की करता मुंडे ने, तीन कट्टे धर दिए जी भर के। हूँ देखो नज़ारा, दोनों तरफ से धुरी ला दी हैरो की, दोनों तरफ से। और कोई कसर है जी, आ देखो नज़ारा, एक फुट गहरी जुताई चल रही है जी। मानो हूँ बनेगी गल, आ देखो जी की करता। बीच वाले में गाड़ा आगा जी, गाड़ा फिर कहागा। देखो जी की करता मुंडे ने, स्लिप चेक करना जी, अब कितने स्लिप हैं। आ की करता, स्लिप चेक करो जी। और जुताई भी चेक कर लो जी, तो दोस्तों इरादा पूरा है कि चीका कटवा दूं पूरी और खेत का रुदन तार दें। जितनी गहरी से गहरी जुताई हो जाएगी, ईंट की खेती जो है जुताई को बहुत ज़्यादा मानती है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार और गहरी जुताई हो जाएगी इस खेत की उतनी ही पैदावार अच्छी होगी इसमें। तो 3 साल के बाद खेत जुता है, 3 साल बाद इसकी ऐसी जो है मिट्टी को जो है पीसने का मौका मिला है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और फिर फसल बोएंगे। अब आप स्लिपेज चेक कर लो कि कितनी स्लिपेज है, कितनी अच्छी तरीके से जो हैरो लग रही है। अब खेत भी जो है जुताई के मध्य में है, ऐसा नहीं है सूखा हुआ है, थोड़ा हल्का सा नरम ही है। और इसकी बार बार जुताई होती रहेगी, मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से हम इसमें जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं गन्ने की। और जी बुगले भगत जी भी जो है अपनी खुराक का पूरा जुगाड़ बांध रहे हैं।
दावत है, रुक कर उड़ा करके सारे आ जाते हैं। फिर हवा जो है आज, आज देखो सर्दियों में आज पहली बार जो है, देखो आप सूरज मुझे पूरब से उगता हुआ दिखाई दिया। महीने दो महीना हो लिया होगा, एक महीने से ज़्यादा हो गया। और ना सूरज जब उगाया, जब इधर आ जावे बिल्कुल साउथ की साइड में, 12-1 बजे से पहले तो नाम निशान नहीं था। आज जो है 7-8 बजे धूप निकली और हवा सुबह परवासी लग रही है। अब पछवा हवा है और बहुत तेज हवा, आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा, बहुत तेज हवा है। तो दोस्तों नज़ारे जो भी आते रहेंगे, बीच बीच में झलक आपको दिखाता रहूँगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो एक वीडियो टीलर वाली का वादा कर रखा सेंसिंग वाली का, इसके तुरंत बाद अगर जिस पे अच्छा प्यार आएगा तो नेक्स्ट डे ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और ऐसी कमाल की वीडियो शायद ही किसी ने बनाई होगी। आ देखो जी नज़ारा, सूरज उधर आ रहा इसलिए लाइट जो है थोड़ी सी अपोजिट हो रही है। और ऐसी तुरप मेरे हाथ लगी है सैमसंग की महिंद्रा की, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन स्पेशल वीडियो बना के, तभी रिवील करूंगा। लो जी यू है वो घास जिस घास का मैं जिक्र कर रहा, आ चेक करो जी, यू है वो घास, इसी घास के तो पैंट बनाने हैं। जहां बुगले हैं वहां देखो कितनी सफेद सफेद जो है दिख रही है, इसका ही भूस बनाना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो सफेद सफेद दिख रही है, यही है वो घास। हुण लो जी नज़ारा, चौथे के लो में ट्रैक्टर चल रहा है, स्लिपेज बहुत ज़्यादा, लोड नहीं है, ओनली स्लिपेज।